ठंडी आइसक्रीम खाने को मिलेगी तो कितना मजा आएगा ना। तो आज हम बनाने वाले हैं ओरियो आइसक्रीम, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओरियो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो, ग्लास, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट और मिल्क और आइसक्रीम के केक, बेलन। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ओरियो। हमने थोड़ी सी ओरियो ली है क्योंकि हमें बड़ी आइसक्रीम नहीं चाहिए। अगर आपको बड़ी आइसक्रीम चाहिए तो आप इसे बिना काटे इसे क्रश कर सकते हैं। और हमें भाई बहुत एक्साइटेड है आइसक्रीम खाने के लिए। और हमें पूरी नहीं चाहिए तो हम रबर बैंड यूज करेंगे और इसकी जो एंड है से हम रबर बैंड लगाएंगे ताकि जो क्रश हम करेंगे तो पाउडर जो बनेगी वो बाहर। तो अभी मैं इसको क्रश कर लेती हूँ, हम दोनों क्रश करेंगे। अपने हाथ को मत क्रश कर लेना। अभी हमारा क्रश करके रुक गया। मेरा हो ही नहीं रहा। मेरा तो हो रहा। तो अब हमारी क्रश करके हो गए हैं। अब हम इसे ग्लास में रख देते हैं। अब हम इसमें मिल्क पोर करते हैं। ये तो हमारा मिल्क है, तो चलो मिल्क पोर करते हैं। तो मैंने मिल्क पोर कर लिया इतना इसके अंदर। अब माही भी पोर संभाल के कर। और डालो ना, डालो पुट। हाँ बस अब देख सकते हैं हमें कितना मिल्क पोर किया है। मैं इसे थोड़ा स्पून से मिक्स कर रही थी। तो अब हमारी स्टिक्स लेंगे और बना लेंगे। चलो तो अब हम हमारे रबर बैंड ले रहे हैं। ये रहे हमारे टिक्स। तो अब हमारे रबर बैंड ले रहे और इस पर टाई करेंगे। भाई आपको आता है? नहीं। इससे हमारी आइसक्रीम खुली, हमें फ्रिजर में नहीं छोड़नी, इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। हमारी आइसक्रीम तो रेडी हो गई है लेकिन हमें इसे फ्रीजर में रखना है, फ्रीज करना है। तो चलो इसे फ्रीजर में रख के आते हैं। हाँ। तो अब हम इसे फ्रीजर में रख देते हैं। इसे हमें 5 to 6 hours तक फ्रीजर में रखना है। ऐसी हमने और एक बनाई थी, इसे भी रखते हैं। तो मिलते हैं हम आपको। तो अब हम आपको मिलते हैं 5 घंटे के बाद। तो हमारी आइसक्रीम फ्रीज हो गई है। अब हम उसे चॉकलेट से कोटिंग करेंगे। तो हमने जो चॉकलेट ली थी उसे हमें पीस में कट कर लिया है। अब हम उसे डबल वाले मेथड से मेल्ट करने वाले हैं। मेरी चॉकलेट मेल्ट हो रही है, हम इसे हिला के देंगे। मुझे तो खाना चॉकलेट। मुझे भी। माए तो पहले से खा रही। तो हमारी चॉकलेट आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, इसे बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। हाँ। देख सकते वाओ। इट्स सो ब्यूटीफुल। तो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम का रबर बैंड निकाल दिया। मैंने निकाल दिया। मैं इसे सिज़र से कट कर रही हूँ। Thank you.
अब हम इसे चॉकलेट में डिप करेंगे। प्लेट कवर हो गई है, तो मैं एक को रखने वाली प्लेन, दूसरे को मैं जैम से कवर करूंगा और तीसरे को ड्राई फ्रूट से। चलो करते हैं। मैं करने वाली हूँ ड्राई फ्रूट्स के साथ और माही करने वाली है जेम्स के साथ। तो हो गया, अब हम इसे फ्रीज करेंगे, वो भी आधे घंटे तक। आइसक्रीम रेडी, अब हम इसे खाएंगे। अभी खाते हैं। बहुत यम्मी है। जी तो अगर आपको ये ओरियो आइसक्रीम अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। दैट्स इट फॉर माय टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।